हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम लोग बहुत थोड़ी से बचे हैं। कल बहुत बुरी तरीके से हम लोग तो हम ट्रक की चपेट में, यानी एकदम मेरी साइड से तो पूरा दबी गया था। रुकने की खुशी, ये रुकने की खुशी। हाय भाभी। हाँ नहीं, आप कंटिन्यूशन में नहीं, भाभी भाभी का मैसेज। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल। तो कल हम लोग अच्छा हो गया रात में नहीं रुके, क्योंकि वहाँ सुबह सुबह जो हॉल है वो खाली करना था। फिर हमको इतनी धड़पड़ हो गई होती ना, यहाँ सब ने अच्छे से नींद भी ले ली है। और सुबह सुबह मैं तो जल्दी उठी क्योंकि मुझे मतलब खाना वगैरह बनाना था ऋषभ का ऑफिस है। तो अभी खाना वगैरह सब बन के रेडी हो गया है, सबका नाश्ता भी हो गया। राधे दीदी जानू वगैरह तो सोए हुए हैं और अभी एकदम फ्रेश व्रेश हो गए हैं, तो अच्छा है। क्योंकि अभी मौसी मौसा जी जाएंगे हॉस्पिटल, मौसा जी का चेकअप है। और फिर हम लोग बोल रहे हैं कि आज के दिन सब रुक जाओ क्योंकि आज है पापा का बर्थडे। तो हम लोग सोच रहे कि केक वगैरह कट करेंगे, थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, सब रहेंगे तो। बट देखते हैं अभी, क्योंकि दीदी भी बोल रहे हैं मैं चली जाऊंगी क्योंकि कल है इलेक्शन। तो दीदी बोले फिर जाना पड़ेगा वोट वगैरह डालने के लिए ऐसा ऐसा करके, और फिर टाइम हो जाएगा। तो देखते हैं अभी कौन कौन रुकता है कौन नहीं रुकता है, लेट्स सी। और फिर केक वगैरह कट करेंगे, अभी तो देखते हैं। ऋषभ ऑफिस जा रहे हैं, अब शाम में करें या कब करें, मैं तो सोची थी नहीं तो अभी कर लूँगी, पर हम रात में केक लाना ही भूल गए क्योंकि हमारा ऐसा था कि हम वही रुकने वाले हैं। तो उस वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाया, हम आ गए। वरना ऐसे कुछ रहता कि घर वापस आना है तो मैं केक भी पहले ही ला के रख ली होती। और अभी सबके कॉल आ रहे हैं, मेरे भी पापा का कॉल आया था पापा को विश करने के लिए, मम्मी वगैरह सब ने विश किए, कंटिन्यू फैमिली के भी मैसेज चालू है जो हमारा ग्रुप है उसमें। तो अभी काम वाम कर लेती हूँ, पूरा पसारा पड़ा हुआ है फिलहाल, फिर आराम से आप लोगों से मिलते हैं। बर्थडे विश हो रहा है दीदी, अभी गाना गाए में अब रुकना पड़ेगा। हाँ, इच्छा अच्छे से गाना गाना। नहीं मिले क्या मौसी मौसा जी निकलते हुए? जानू नाना नानी नाना जी को जा रहे हैं, तो अभी मौसा जी ने केक मंगवाए पापा के लिए अपनी तरफ से, पर इनको हॉस्पिटल जाना है तो लोग निकल रहे हैं। बाकी दीदी वगैरह तो है अभी फिलहाल सब है। वीडियो बना रही, ऋषभ बोले ना सब दिखने को हो ना, सब दिख रहे, तुम भी दिख जाओ, सब दिख रहे दीदी। मौसी मौसा जी लोग निकल रहे हैं। नहीं भैया नीचे, नहाई मामी बिना नहाई भांजी, सबको बाय बाय कर रहे हैं। ऐसे बाहर बोलने के बाद भी नहीं रुक रहे, कोई कलर वगैरह लगा सकते हैं। ये रुकेंगे, ये भी रुकेंगे, दोनों रुकेंगे। नहीं तो मैं गुस्सा काजल गुच्छा। किसी का फोन बज रहा है अंदर, मम्मी मोबाइल वगैरह लिए। तो हम इतना मना रहे, जानू मान नहीं रही, दीदी को लेके जा रही। और दीदी पेपर है अब मैं भी, पता है मैं भी जाऊंगी ना गर्चुरली, मैं एक दिन जाऊंगी और दूसरे दिन वापस आ जाऊंगी, मैं भी नहीं रुकूंगी। जानू ने ऐसी दिल के अरमा आंसू में बह गए ऐसे वाला काम कर, मैं रुकी ना दिन भर, तो रुकी ना। मैं तो इतना खुश हो गई थी कि यार शायद मिल जाए, अच्छा है आज का दिन, क्योंकि इतने दिन से हम लोग शादी में बिजी थे ना, तो फिर भले ही साथ थे पर जो एक घर का मस्ती होता है ना वो अलग होता है, तो वो नहीं हो पाई। तो इस बार ठीक है, अभी जा रहे हैं तो अभी खुशी खुशी भेजती हूँ, क्योंकि उनका सफर बहुत अच्छा दूर वाला है, 4 घंटे का, तीन चार घंटे का है, तो अभी अच्छे से उनको भेजते हैं। रुकने की खुशी, ये रुकने की खुशी, फाइनली। तो जब जो नाच गाना हो रहा था वो इस खुशी में हो रहा था कि दीदी ना जाए, तो जानू को जैसे तैसे मना के हम लोग ने दीदी को रुकवाया कि रुक जाए करके आज, क्योंकि वे जो मौसी वगैरह भी थे और पापा का बर्थडे भी था,
इसीलिए। और विद्या मौसी लोग भी शाम में ही निकले क्योंकि हम लोग बोले थे कि आ जाओ करके, उनको हॉस्पिटल दिखाना था तो उनको लेट हो गया। हम बोले आ जाओ, पर बोले नहीं अभी निकल ही जाते, तो वो लोग तो निकल चुके हैं और अभी मौसी और दीदी लोग है और अभी ऋषभ का बस वेट कर रहे हैं कि आएंगे तो फिर हम लोग करेंगे केक कट और थोड़ा सा ऐसे रेडी वेडी होकर ऐसे घूम के आएंगे। तो कंटिन्यू जैसे तीन चार दिन से ऐसे कुछ, हाँ तीन चार दिन से ही शायद बाहर मतलब शादी का खाना ये सब ही हो रहा था। तो हम लोग बोले कि नहीं अभी मौसी को सफर भी करना है क्योंकि 2 बजे की ट्रेन है मौसी की और कल का पूरा दिन उनका सफर वाला है, सुबह दीदी को भी निकलना है। तो दीदी भी बोले नहीं एकदम हल्का हल्का कुछ खाएंगे, तो अभी खाना भी बन चुका है मेरा और बस अभी ऋषभ आते हैं, हम लोग रेडी वेडी होके केक कट करते हैं और थोड़ा से कहीं से घूम के जस्ट आएंगे, तो उसी का हम लोग हमारा जो बर्थडे है सेलिब्रेट करेंगे। और जो मैं कल बोल रही थी कि हमारे साथ एक बहुत बुरा सा इंसिडेंट हुआ, तो एक्चुअली हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम लोग बहुत थोड़े से बचे हैं कल, बहुत बुरी तरीके से हम लोग ये हो सकते थे। और खासकर मैं और मेरी गोद में थी जानू, तो हम ट्रक के चपेट में, यानी एकदम मेरे साइड से तो पूरा दबी गया था, ट्रक वाला शायद ड्रिंक करके था या क्या पता नहीं, उसने हमारी गाड़ी में इतना जोरदार टक्कर मारी और एकदम पूरी गाड़ी घसीटते वो लेके गया। और हमारे पीछे वाले जो कार है उसमें थे मम्मी, दोनों मौसी, मौसा जी और भैया जो, तो वो उन्होंने जो देखा है वो लोग इतना घबरा गए, पूरा बता रहे थे कि सारे लोग चिल्लाने लगे रोको रोको रोको, पर ट्रक ड्राइवर को शायद कुछ समझा ही नहीं कि क्या, और हमारी गाड़ी बिल्कुल एकदम पूरी चपक गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला वीडियो, तो देख सकते हैं आप इसी साइड से बस ट्रक से चिपकी हुई थी गाड़ी और सामने साइड कुछ भी नहीं था, बस ये साइड में और यही साइड में राइट साइड में मैं बैठी थी और मेरी गोदी में बैठी थी जानू। और इतना भयानक वाला सीन था ना, वो जो पीछे वालों ने देखे वो तो और डेंजर, बस हम बच गए भगवान की कृपा से, बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसा तो ये लग रहा है, पर उस टाइम मतलब ऐसा लगा जैसे बस मौत को थोड़े से छू के आई हूँ मैं तो एकदम, अगर वो ये होता हमारी गाड़ी पलट भी सकती थी। और मैं जस्ट बाजू में ही ऐसे बैठी थी, मेरे तो साइड से पूरा ही दब गया था और अच्छा हो गया कांच नहीं फूटा, इतना भयानक धक 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 हो रहा था। जब हम शादी में पहुंचे तो कुछ देर तक हमारा किसी का ही मन नहीं लगा वहां पर क्योंकि एकदम सबकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी और वो एकदम जो देखना, बाकी लोग ने पीछे से देखे तो ये लोग के तो रोंगटे खड़े हो गए, ये लोग भी सारे लोग चिल्लाने लगे, आजू बाजू सब जमा भी हो गए। जब हमारी गाड़ी साइड में लगाए, ट्रक वाला तो भाग गया, मम्मी लोग पीछे गाड़ी में बोलने लगे कि भगवान प्लीज कुछ होने मत देना, सही कुछ मत होने देना, बुरा मत होने देना, बुरा मत होने देना। और हम लोग भी इतना ज्यादा घबरा गए थे, बहुत अभी मैं बता रही हूँ तो मुझे ऐसे गूज़बम्प्स टाइप के आ रहे हैं क्योंकि बहुत वो सोच सोच के बहुत बुरा सा लग रहा है, एकदम अजीब सा। और इस वजह से भी कल किसी का फिर रात में रुकने का मन भी नहीं कर रहा था कि एकदम रुको, बाद में तो हम थोड़ा बहुत हंसे भी, लेकिन ना जो वो उस टाइम था ना, बाप रे, मैं तो वो बता नहीं सकती कि क्या हमारा वो था, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं करके, बहुत बुरा। यानी बहुत से भगवान ने, यानी ऐसे बोलते ना कहीं कुछ हमने अच्छा किए होंगे कि वो भगवान ने हमको बचा लिए, मैं तो ना मेरी तो टिकट पक्की ही थी वरना जाने की, मैं तो बचती ही नहीं, ऐसा कुछ मेरा तो पक्का ही था जाना कल। चलो भगवान का शुक्रिया अदा कि हमारे साथ और कुछ बहुत ये नहीं हुआ, गाड़ी नहीं पलटी बहुत ज़्यादा वैसा, बट बहुत से हम बच गए, अच्छा हुआ। तो अभी मैं थोड़ा सा रेडी वेडी हो जाती हूँ, काम हो गए हैं और फिर ऋषभ आ जाते, फिर केक वगैरह कटिंग करेंगे, फिर हम जाएंगे घूमने के लिए, तब मिलते हैं आपसे। केक पापा का,
बहुत बहुत बधाई, शुभ। बारे दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मौसा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। वो है ना दीदी, मेरे को बोले उसमें ऑप्शन आता है ना कौन सा फ्लेवर अच्छा, तो मेरे को रसमलाई बहुत पसंद है, तो फिर मैंने अपने पसंद का मैंने बोले बाकी लो। चॉकलेट ले, चॉकलेट नहीं पसंद, चॉकलेट मेरे को पसंद है, पर मैंने हम खाना है ना जानू बोलती है मामा जी के लिए खाना है, बट हमको तो खाना है जानू, मामा जी के लिए खाना है, हमको खाना है, है ना। हां वैसे करेंगे, प्लेट खराब करने से। हां इस चम्मच से ही ले लो सब लोग, मामा जी के लिए। अब हम जा रहे घूमने के लिए, और बात फिर घुस घुस के है, अभी हम जाते हैं बैठे, सब अंकुर ये वाली क्या बोलते अपना तुम्हारा कौन सी बुलबुलिया बहुत। तो हम लोग आए हैं मेरे मामा ससुर के घर, मैं आई हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए सर पे पल्लो वल्लो ले ली मैंने, मतलब पहला ऐसा कोई होगा कि जब मैं यहाँ पर आई हूँ ससुराल से चांद सर पे पल्लो ले ली हूँ, वरना कोई लेने नहीं देते। अभी चलते हैं हम लोग और फिर मिलते हैं, अभी सब निकलते हैं, चलते हैं मामा जी के घर। सॉरी दीदी के पैर पे झुनझुनी आ गई है ना, दीदी अच्छा हाय भाभी, आ गई आ गई तो हम लोग आ गए हैं घर मामा जी के घर से। तो ये मम्मी के सगे भाई है और मैं अभी फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ उनसे, और क्योंकि ऐसे कभी मौका लगा ही नहीं था जाने का, तो फर्स्ट टाइम अभी मौसी थे दीदी वगैरह सब, तो हमारा प्लान बना कि चलो चलते हैं, भैया भाभी वगैरह सभी लोग इतने खुश हो गए, सभी को बहुत अच्छा लगा, फिर टाइम स्पेंड करते वगैरह, उतना भी वीडियो मैं नहीं बना पाई जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम गई थी, और जानू वगैरह तो जानू को भी पैसे मिले, और मुझे तो इतनी प्यारी सी साड़ी मिली, बहुत ही सुंदर, इतनी प्रीटी है। तो सभी को हमको गिफ्ट्स मिले, तो हम लोग वही बोल रहे थे कि आज पापा का बर्थडे है, जब स्वाति दीदी और अंकुर भैया ये लोग गिफ्ट देना चाह रहे थे पापा को शर्ट, पर करते करते टाइम ही नहीं मिला, और हमको वहाँ टाइम हो गया तो सारी दुकानें बंद हो गई, तो मैं इन लोगों को चिढ़ा रही थी कि आज पापा का बर्थडे है और सारे गिफ्ट्स अपने को ही मिल गए, जिसका बर्थडे है उसको तो कुछ मिला ही नहीं। तो अभी थक भी गया है बहुत, मेरा तो गला ऐसी आवाज बैठने लगी है, अब दर्द दे रहा है, और अभी कपड़े पड़के चेंज कर लेती हूँ क्योंकि विजू मौसी लोगों की है 2 बजे की ट्रेन, तो ये लोग 1 बजे निकल जाएंगे, और अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो अब कपड़े पड़े सब चेंज वेंज करके मौसी के लिए जल्दी जल्दी टिफिन पैक कर लेती हूँ। वैसे हमने खाना बना लिए थे, फिर भी उनको बोले थे मामा वगैरह के घर की खाना मत बनाना, बस हम लोग मिलने आने वाले हैं, पर भाभी वगैरह ने सब भाभी मामी जी सब ने खाना वगैरह सब रेडी कर दिया था, तो हम खा के आ गए हैं, अब बस मैं विजू मौसी लोगों के लिए टिफिन वगैरह पैक करती हूँ, और जो मेरा आज का व्लॉग है उसको करती हूँ एंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।